ये ऐसी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ बस। वैसे तो मैंने सारी बातें दोबारा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली हुई है, पर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आज बड़े सिंपल शब्दों में बात बताऊंगा। एक बेसिकली जब एक बंदा यहाँ पे आता है, उसके पास एक रास्ता है जॉब। वो जॉब करे अपना चुपचाप, कोई बिजनेस बिजनेस करने की ना सोचे, ठीक है। ये जो बिजनेस है, रेस्टोरेंट खोलना, ये अपना कोई फ्रेंचाइजी ले लेना एक आधा, ये सब बिजनेस नहीं है, ये सारी जॉब्स ही हैं। मैंने कई बार पहले भी बताया, इनमें वही प्रॉफिटेबिलिटी है कोई 200-250 के की, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप रिच बन जाओगे। जब इनको स्केल करने की कोशिश करोगे, जब दो खोलने की कोशिश करोगे, तो वही इश्यूज आएंगे जो जॉब वाले को बिजनेस करने में आते हैं, ठीक है ना। क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस कंट्री में कोई हेल्प नहीं है, ठीक है। पहला तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आप काम पे जा रहे हैं, पीछे आपके आपके घर में खाना बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं, धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। तो आपके लिए बिजनेस के लिए जो मेंटली वो चाहिए ना, इंसान को फ्रीड चाहिए, जरा मेंटल फ्री, माइंड फ्री चाहिए, वो नहीं मिलता। दैट्स वन, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आपका बिजनेस थोड़ा सा भी स्केल करोगे, आप सोचोगे यार मैं कोई असिस्टेंट रख लूँ, कोई एडमिन असिस्टेंट रख लूँ, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रख लूँ, या ठीक है ना, या कोई और एम्प्लॉई रख लूँ सेल्स का, जो कॉस्ट सेंटर होगा, मतलब ठीक है ना। आपको एक बात बताना चाहिए, वो जब आप रखने की बात करेंगे तो आपको वो नहीं बनेंगे मिलेंगे, राइट। तो आपको वो नहीं मिलेंगे अच्छे से, और आपको काफ़ी मुश्किल आएगी, राइट। मैंने कई बार ही, कई लोगों ने बोला कि एक डेंटिस्ट ने बोला मेरे पास तो असिस्टेंट है, वो कैन जॉब्स हैं, आप डेंटिस्ट रख के बताओ, ठीक है ना। तो जिस जो स्केलेबिलिटी फैक्टर्स के लिए जो आपको चाहिए ना, कि भी चलो मतलब वो आपको कभी भी नहीं होगा, मतलब आपका एक क्लिनिक है, आपका एक क्लिनिक चलाने के लिए पूरे 3-4 बने हुए हैं, वो वैसे ही चलता रहेगा, वो 3-4 बंदे होंगे आपके पास, और आपका पूरा क्लिनिक एक यूनिट की तरह काम करेगा। बट आप दूसरा क्लिनिक नहीं खोल पाएंगे इजिली, दो खोल लेंगे तो तीसरा नहीं खोल पाएंगे, राइट। बिकॉज काम आपको ही करना है, काम आप ही को करना है, ओनर ऑपरेटर हो आपको करना। हाँ, दैट्स अनदर स्टोरी। अब 3 दिन एक में करो, 4 दिन एक में करो, तो वो फिर 2 क्लिनिक एक ही क्लिनिक हो गया, ठीक है ना। वो एक अलग किस्म की एक स्केलेबिलिटी मिली है, इट्स नॉट सो बैड, बट मिली है, पर वो आप कर सकते हो। पर आप नोट करो कि दोनों क्लिनिक के अंदर 7 दिन काम नहीं चल रहा। चलो यानी वो सब इतनी डिटेल में नहीं जाते, बड़े बड़े तौर पे यहाँ पे जो एडमिन हेल्प है या कोई भी ऐसे वर्कर है, कोई भी ऐसी चीज़ है बड़ी, वो अनअफोर्डेबल है। उनके इतने सारे राइट्स हैं, वो 2 दिन काम करेंगे, 3रे दिन काम नहीं करेंगे, आवर्ली बेसिस पे पैसे देने पड़ेंगे आपको, कुछ आएगा नहीं आएगा आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनके हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी एक्सपेंसिव है, उनके इंश्योरेंसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनके वर्कर्स कॉम ये वो इतने सारे तरह तरह के राइट्स हैं, उनको छुट्टियां देनी पड़ती हैं, वो सारा मिला के आपके लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। नॉट दैट नोबडी कैन डू इट, ऐसा नहीं कह सकते, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए आपको स्केलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरा, इस कंट्री में प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिलती। अगर आपको कहना CPA लॉयर्स छोटे मोटे काम कराने हैं, तो उनके कैंड उनके पैकेजेस बने, वो आपको आराम से हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़ा काम करने बैठोगे, आपके सामने वो टैक्स स्ट्रेटजी बनाएगा, या आपकी लीगल स्ट्रेटजी बनाएगा, इमिग्रेशन स्ट्रेटजी बनाएगा, उनमें से भी कुछ छोटे मोटे पॉलिसी एंड प्रोसीजर लिखने, वो लिख बने हुए 1000-1500 में कर देगा। बट जब असली चीज आएगी ना सामने, असली सिचुएशन आएगी विच मैटर्स, तो वो जो आपको स्केलेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होगी। अगर आप छोटा मोटा कुछ कर रहे हो, तो छोटी मोटी कोई इश्यूज आएंगे, छोटे मोटे वो इश्यूज को छोटे मोटे पैसे लेके ठीक कर देंगे। लेकिन जब बड़ा इशू आएगा, तो फिर आप प्रॉपर इशू आएगा जो आपके एक्चुअल स्केलेबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो आप रियलाइज करेंगे आपसे कुछ होगा, वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, लाइक 25-25, 30-30 हज़ार डॉलर, और वो भी देने के बाद भी वो करेंगे नहीं, मतलब 70-80 हज़ार डॉलर तक, जब तक उनको नहीं मिलेंगे वो तब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे जो आपको चाहिए, राइट। तो ये एक दूसरी, ये एक तीसरी चीज़ है, ये सब आपके उसमें इफेक्ट करता है जब यहाँ पे आप आते हो, बेसिकली यू आर अप अगेंस्ट अ ग्लास सीलिंग, ठीक है ना। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है कि एक और आर्टिफिशियल बैरियर है, यहाँ पे बच्चों का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। मतलब बच्चों का जो काम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है बच्चों को। इंडिया में क्या है कि बच्चों के साथ मम्मी है, दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, चाचा चाची, बतेरे लोग हैं, तो बच्चों का दिल लगा रहता है, ठीक है ना। तो बच्चे मतलब ऐसा नहीं है कि आप बच्चे अपने आप ही पल जाते हैं, यहाँ पे बच्चे पालना बहुत ज़्यादा काम है, ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो जैसे ही जब बंदे के बच्चे होते हैं, भूल जाए कोई तरक्की शरक्की, बिजनेस सब भूल जाए, स्टार्टअप वटार्टअप सब भूल जाए, सिर्फ जॉब कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़, जो जॉब है ना, जब आप करने जा रहे हो, सबसे ईजिएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड है, आपको पैसे आ रहे हैं बिना आगे। आप भी जब जॉब क्रिएट करते हो, आपको ये इशू आता है, आपको बिना एक बंदा मिलता जो काम कुम करना ना चाहता होता, ना उसको काम करना आता होता, ना लेना ना देना,
राइट सेम वे आप भी जितनी मर्जी छोटी बेकार से बेकार भी आप काम कर रहे हो ना तो भी आपको एक जॉब मिल जाएगी, अपना करते रहो आप सुबह दोपहर शाम थोड़ा बहुत ड्रामा करना है और आपको पैसे आते रहेंगे। इतनी आसान लाइफ वर्सेस बिजनेस की लाइफ विद किड्स विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी अ वेरी बिग बैरियर। तो चौथा बैरियर हो गया। पांचवा ये है कि आपको किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। या आप किसी भी बंदा जो यहाँ पे रह रहा है थोड़े टाइम से उनसे पूछो, कहेंगे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आप कहेंगे गूगल उस पर बेसिक प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जस्ट टू गेट टू 200 के पॉइंट और 150 के पर ईयर वो मिल जाएगी, लेकिन असली इन्फॉर्मेशन जिससे आप स्केल कर सकेंगे ना वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। एज ए सेट 150 200 के तक पहुंचना बहुत आसान है, वो आप धड़ाधड़ पहुंच जाओगे, वो नहीं इशू आएगा। यानी कि जितना आपके जॉब में बनता है उतना ही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जॉब करने की कोशिश करोगे ना आपको बहुत मुश्किल आएंगी और वो नहीं आप अचीव कर पाओगे। तो ये आपका एक नेक्स्ट बैरियर हो गया। राइट, एक और बैरियर ये कि यहाँ पे खड़े खर्चे हैं। मेरा फ्रेंड है, व्हेन ही वाज 34 उसने जॉब जूब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, उसने 10-12 साल काम किया, उसमें इतना पैसा इकट्ठा कर लिया 1.5-2 करोड़ उसने उसको बैंक में डाल दिया, तो 2 करोड़ के ऊपर जो उसको ब्याज आ रहा था अराउंड उसको आ रहा था 10% के हिसाब से 20 लाख साल का जो 20 लाख ब्याज आ रहा था उससे आराम से उसने अपना खर्चा चलाया, तो और आराम से बिजनेस और एक स्टार्टअप की तरफ ध्यान देने लग गया। ठीक है ना, तो आप ये नहीं कर पाएंगे कभी अमेरिका में, क्योंकि देर इज नो सच थिंग कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और आपके खर्चे पूरे हो जाए। आपके खर्चे बहुत सारे हैं, मॉर्गेज क्या, गाड़ी क्या, इंश्योरेंस क्या, गाड़ी के बिना काम नहीं चल सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी वो एक बंगन क्लास, मेरी दोस्त है अमेरिका के अंदर, वो तो पैदल चले जाती है, वो बंगन क्लास है, तो वो बंगन क्लास से हमारा मत कंपैरिजन करो। जो आम आदमी यहाँ पे रह रहा है आईटी का बंदे, मैं टिपिकली एनआरआई आईटी के बंदों की ज्यादा बात करता हूँ सारी, वो कभी भी नहीं यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी मॉर्गेज है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, पेट्रोल है, आपके बच्चों के खर्चे हैं, सारा मिला के आप कभी भी उन खर्चों के इतने ज्यादा खर्चे हैं वो $5,000-6,000 $7,000-8,000 का खर्चा बैठ जाता है। वो खर्चा अगर आपको महीने के महीने नहीं आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे बाप ज्यादा की जदाद तो है नहीं कि फ्री में रह लें, फ्री में सब कुछ हो जाए। ग्रॉसरी का बिल भी $1,000 आता है महीने का, दो बच्चे हो आप, हाफ हस्बैंड वाइफ हो, सारा मिला के इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। वो आपको पैसे हर महीने निकाल के लाने कहीं से, और यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप 2 मिलियन डाल दें तो आपको इतना ब्याज आ जाए, 3% के हिसाब से 2% के हिसाब से सारा $40,000 ब्याज बहना 2 मिलियन के ऊपर भी, तो इतने तो पहले पैसे आए नहीं भी, 40,000 इज हार्डली 300-350। तो कोई भी ट्रू पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप कहेंगे रियल स्टेट ले लेते हैं, रियल स्टेट एक अपने आप में काम है, स्टार्टअप डाटा तो भूल जाओ, रियल स्टेट अपने आप में बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। उस रियल स्टेट को लेना काम है, उसको मेंटेन करना काम है, टेनेंसी मेंटेन करना काम है। कैलिफोर्निया जिस स्टेट में हम रहते हैं वहां तो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां तो टेनेंट अगर आपका घर मतलब दबा के बैठ गया आप कुछ नहीं कर सकेंगे, 4 महीने तक का किराया फ्री। मैंने सारे रियल स्टेट के इश्यूज बताए हैं, तो रियल स्टेट आपको कभी भी वो फ्रीडम नहीं देगा जो आप सोच रहे हो कि भी मैं आराम से फोकस कर सकता हूँ, मेरे को किराया आ रहा है, मैं फोकस करूंगा अपने अपने एक बिजनेस पे, स्टार्टअप वार्टअप पे, मेरे पास फ्री टाइम आ गया। ये भी आप याद रखिएगा कि कोई पैसिव सोर्स, इसलिए मैं सारी बातें आपको बताता हूँ कि रियल स्टेट कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा काम है, और उसके कारण फिर आप स्टार्टअप वार्टअप या कुछ भी और डिफरेंट नहीं कर सकते आप अपनी। अच्छा, उसमें भी है कि 150-200 के तक तो इतना काम नहीं होगा, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर जाओगे बहुत काम हो जाएगा, और इतना ज़्यादा काम हो जाएगा कि आप अपना काम वगैरह कुछ नहीं और कर पाओगे। ये सारे आर्टिफिशियल बैरियर्स सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन है। तो आप इसलिए कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो अगर आपको, मैं तो रेस्टोरेंट खोल पाया, मैं तो बिजनेस मैंने बता दिया पहले, मैं उस तरह के बिजनेस की बात नहीं कर रहा जो 150-200 के तक आपको ले जाएंगे, 250 के तक ले जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं है, वो सब बेसिक से बिजनेसिस हैं, वो कुछ नहीं, वो तो जॉब जैसी बिजनेस है, उनमें आप खुद लगे रहते हो, वो कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि मतलब बिजनेस स्केल हो रहा है, वो आप खुद ही लगे रहते हो, खुद ही करते रहो, खुद ही सब करते रहो, बस दैट्स इट, वही है वो काम। वो बिजनेस की तरह इंडिया की तरह नहीं है कि रेस्टोरेंट है जी आप बैठे हो और वो रेस्टोरेंट चल रहा है और आप जाके बस शेरवानी पहन के खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद लगना पड़ेगा, खुद वेटिंग करनी पड़ेगी, खुद कैश रजिस्टर में खड़ा होना पड़ेगा, खुद बर्तन उठाने पड़ेंगे, और इनफैक्ट कभी कभी तो खुद आपको शेफिंग भी करनी आनी चाहिए, कि आपको कुकिंग भी करनी आनी चाहिए। अगर शेफ बीमार हो गया तो कौन बनाएगा खाना, तो सारा कुछ खुद करना पड़ता है। मैंने पहले ही सारा कुछ बता रखा है, रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम्स बता रखी हैं, रियल स्टेट की प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारे इसके कारण, रियल स्टेट के कारण क्या होता है, रियल एस्टेट के कारण मेरे साथ जो हुआ ये है कि मैंने 10 साल गंवा दिए, ये 10 साल खींच लेगा आपके, 10 साल खा लेगा ये, 10 साल के बाद पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो साला पैसे फिर से नहीं हुआ, और ये तो फके पड़ रहे हैं, और पैसे तो आ नहीं रहे, जा रहे हैं, तो आप तब रियलाइज करोगे। तो मैंने सारी चीजें, मैंने रियल एस्टेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर इसलिए बताई हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि रियल एस्टेट जो है बहुत ही
ये आपको कभी भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा इस कंट्री के अंदर। ये कोई पैसिव वैसिव नहीं है, सिर्फ एक स्टूपिड आइडिया है, सिर्फ स्टूपिडिटी है। ये जो लोग कर रहे हैं वो आपका बुद्धू बना रहे हैं, वो अपना कोई कोर्स बेच रहे होंगे। अगर इतना ही उनको है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ना अपना टाइम, आपको कोर्स क्यों बेचते हैं? कोर्स किस बात का बेच रहे हैं भाई? अगर उनको इतना ही ज़्यादा है तो अपना आराम से वो अपना बनाए ना, कोर्स क्यों बनाते हैं वो, मेरे तो समझ के बाहर है। तो इसलिए क्लियर है कि वो बस अपना कोर्स बेचने के चक्कर में आपका एक ख्वाब दिखाई जा रहे हैं। कई बार उनको खुद नहीं पता होता, माइनॉरिटी माइंडसेट वाले को आप ही नहीं पता। माइनॉरिटी माइंडसेट वाला मुझे आप ही बेचारा, उसको दिखता नहीं उसकी कितनी गरीबी छाई हुई है, पैसे खर्चने को है नहीं। और उसके बाद जब 10-1 साल बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगले पहले कुछ भी नहीं होगा देखेगा वो, राइट। मैंने सारी रियल एस्टेट के इश्यूज बताए हुए हैं एक और वीडियो में। तो रियल एस्टेट आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता, वो एक काम भी है, मैंने काम के हिसाब से ज़्यादा अभी एम्फसाइज किया, लेकिन फाइनेंशियली भी उसको कोई ऐसा कोई बहुत रिवॉर्डिंग नहीं है। तो वो आपको बाद में पता चलेगा जब वो आपके, जब उसका रिजल्ट आएगा, जब मार्केट ऊपर जाती है। आजकल मार्केट ऊपर गई है भाई, 2024 मार्च चल रहा है, सॉरी अप्रैल चल रहा है, तो रियल एस्टेट वाले सारे उछल उछल के बोल रहे हैं। लेकिन ब्रदर ये हिस्टोरिक हाई भी है और ये नीचे भी जा सकती है, ये ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। जैसी नीचे जाएगी सबकी मुझे मतलब सबकी हालत ख़राब होने वाली है, याद रखिएगा। और रियल एस्टेट के अंदर से एग्जिट स्ट्रैटेजी किसी की ना बनी हुई है ना बन सकती है, तो इसलिए वो मुश्किल में ही आएंगे। अभी फिलहाल वो खुश होंगे, तो आप उनको खुशी को देके अपना ना स्टार्ट कर देना रियल एस्टेट का काम, आप पागल हो जाओगे अगर आपने रियल एस्टेट का काम किया। चलिए ये रियल एस्टेट के बारे में नहीं है, ये जनरली इस बारे में है कि व्हाट आर द आर्टिफिशियल बैरियर्स बिल्ट इनटू द सिस्टम, जिसके कारण आप कभी भी इस चीज़ से मुक्त मतलब फ्री नहीं हो सकेंगे। माइनॉरिटी माइंडसेट वाले से पूछ, इतना पैसा कमा रहा है क्या उसने कोई मेड रख ली है? $4,000 लेती है मेड, 3-4 हज़ार ऐसे लेती है। क्या उसने कोई एडमिन सिस्टम रख ली है? क्या उसने ये रख ली है? उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है? देखना घर जाके खुद खाना बनाता होगा, माइनॉरिटी माइंडसेट वाला, ठीक है ना। मैं तो ये आर्टिफिशियल बैरियर्स को समझना बहुत जरूरी है। ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग बैरियर्स हैं जिनको जो जिनका एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं है, और इस कारण से एक आईटी वाला बंदा फंसा रहता है, ठीक है। तो ये चक्कर है जिसके कारण मतलब कि उनको कभी यहाँ पे मतलब मुश्किल होती है। और मैं इसी अवेयरनेस को इंक्रीज करने निकला हूँ कि इन पहले प्रॉब्लम्स को समझो, सोल्यूशन फिर इकट्ठे ढूंढेंगे। लेकिन पहले प्रॉब्लम समझो, जब बंदा एक चीज को समझता है उसको देखता है भी सारा बार बार वही हो रहा है, और मतलब तुम कोशिश करते हो फिर से वही सिचुएशन आती है, फिर से वही रिजल्ट आता है, और मतलब तुम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं पाते, तो उसका रीजन पता होना चाहिए। ये सारे बैरियर्स लगे हुए हैं जिसके कारण आप कभी निकल नहीं पाएंगे। आप स्लोली एंड स्टेडली चलना पड़ेगा। आपके 5-5, 10-10 साल लग जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, प्रोफेशनल आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, आपको गूगल से मैंने बता दिया कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सारा मिला के आप वहीं फंसे रहेंगे, 5 साल बर्बाद कर देंगे, खाना कपड़े रोटी पानी में बर्बाद कर देंगे, आप बड़े बड़े सपने लेते रहेंगे, ठीक है ना। सपने आपके कभी पूरे होंगे नहीं, क्योंकि आप इन आर्टिफिशियल बैरियर्स में फंसे रहेंगे। एक जॉब होगी, वो जॉब 200 से 250 की हो जाएगी, 250 से 300 की होती है, भगवान ने कहा चाह तो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें से टैक्स चला जाएगा, सारा टैक्स कटकटा के वहीं एक नॉर्मल सी टुच्चू पुच्चू सी मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में अटके रहेंगे, और कभी भी एक वेल्थ या रिचेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं।